आईफोन 12 प्रो हो सकता है यह प्रोसेसर और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण जहां आधी दुनिया लॉकडाउन से जूझ रही है, ऐसे में किसी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चुनौती से भरा कार बन जाता है, खास तौर पर टेक प्रोडक्ट के लॉन्च का, जहां ज़्यादातर कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च को रद्द कर रही है। वहां वन प्लस और एप्पल जैसे कुछ कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बिना किसी मुश्किल के लॉन्च कर रही है। एप्पल ने हाल ही में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन आईफोन SE लॉन्च किया था और खबर है कि कंपनी अपनी आईफोन 12 सीरीज भी जोर शोर से काम कर रही है। इन खबर की माने तो आईफोन 12 में 5nm 114 चिपसेट, 5G सपोर्ट, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, USB टाइप सी पोर्ट और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग जैसे कई फीचर्स मौजूद होंगे। एक ट्विटर हैंडल इसके अचानक से ही काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर रही है। वजह है इसका एप्पल लॉन्च को लेकर सटीक अनुमान लगाना। 925 मैक की हालांकि रिपोर्ट की माने तो इस टिपस्टर के आईफोन SE और आईपैड प्रो मॉडल को लेकर पुराना ट्वीट में लगाया गया अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। 12 मार्च को टिपस्टर ने ट्वीट करते हुए कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट जारी की, जिसको लेकर उसका दावा है कि इन प्रोडक्ट्स पर काम चल रहा है। ट्वीट के मुताबिक एप्पल के आगामी आईफोन 12 प्रो में 5.4 इंच डिस्प्ले होगा, वहीं 12 प्रो मैक्स में 6.7 इंच की स्क्रीन दी जाएगी। दोनों ही फ़ोन में 5G मॉडल दिया होगा। बॉडी आईपैड प्रो की तरह होगा, जो कि दूसरे लीक में भी सामने आया था। सबसे दिलचस्प जानकारी यह है कि आईफोन 12 प्रो में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेंस रेट के साथ होगा और इसमें 5nm A14 चिपसेट दिया जाएगा। टिप्स्टर ने यह भी जानकारी दी कि आखिरकार एप्पल ने USB टाइप सी पोर्ट के लिए लाइटिंग पोर्ट हटा दिया। इसके अलावा खबर तो यह भी है कि एप्पल इन फोन में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देगी। अब एप्पल आईपैड प्रो, तो अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दें वाईफाई दोस्त चैनल को, और इस वीडियो को कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस एप्पल आईफोन 12 प्रो के बारे में कोई भी विशेष जानकारी आती है तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए।